गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सदर बाजार में किताबों की दुकानों पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत मिली थी कि सदर बाजार में कुछ किताबों की दुकान पर अवैध रूप से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही हैं। इसी आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में किताबें बरामद हुई। फिलहाल किताबों के सैंपल को लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ मौके पर एनसीईआरटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सदर बाजार में करीब आधा दर्जन दुकानों पर ये छापेमारी की गई, जहां से जो किताबें बरामद हुई उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग की माने तो उन्हें शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से फर्जी किताबों को यहां बेचा जा रहा है, इसी आधार पर ये छापेमारी की गई। पिछले साल भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस तरह सदर बाजार में बड़ी मात्रा में एनसीईआरटी की अवैध रूप से बेची जा रही फर्जी किताबों को बरामद किया था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के टीम ने एनसीईआरटी में संपर्क किया कि हरियाणा के सदर बाजार में नकली किताबें बेची जा रही है। मैं मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने कई दिनों से मेहनत किया है और आज जब हम यहां पे आए हैं तो काफ़ी किताबें नकली दिख रही है, क्योंकि हमारे साथ प्रोडक्शन विंग के भी हैं एम विनोद कुमार जो टेक्निकल से हैं, वो ये बता रहे हैं ये किताबें नकली हैं। अब इस संबंध में जो भी कानून से के अनुसार कार्रवाई है वो चल रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता काफ़ी सहयोग कर रही है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, वो बधाई के पात्र हैं। अब हरियाणा यहाँ सदर बाजार की लोकल पुलिस भी आ गई है, जो भी नियम के अनुसार कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो शुरू हो चुकी। सदर बाजार के लगभग 5-6 दुकानें हैं, नाम तो नहीं याद है मुझे, बट 5-6 है, उन सब पे लगभग कार्रवाई। उससे हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, हम बैठ उनसे हमने रसीद लिया है, उनको बिल पेमेंट किया है, किताबें ले लिया है। अब ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किसके किसके यहाँ की किताबें डुप्लीकेट, ठीक है, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो गई आपको सर बताएं। गौरतलब हो कि पिछले साल भी इस तरह के अवैध किताबों को यदि बरामद किया गया था तो फिर इस साल भी ये किताबें कहां से आई? क्या इन लोगों में सीएम फ्लाइंग और अधिकारियों का बिल्कुल डर नहीं है? सीएम फ्लाइंग के इस छापेमारी में साबित हो रहा है कि किस तरह से शिक्षा के नाम पर भी इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा है। अब ये तो जांच का विषय है कि इसके पीछे किस किस का हाथ है और ये किताबें कहां से छपकर दुकानों तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डार्क ग्राउंड न्यूज।